और चलिए अब बात करेंगे मौसम की, जहां भोपाल में मध्य प्रदेश में बदलेगा मौसम का मिजाज। दरअसल तीन दिन तक तेज हवाएं चलने को लेकर अलर्ट जारी किया गया और तेज हवाओं के साथ बारिश का भी अलर्ट है। बारिश के बाद फिर गिरेगा तापमान, प्रदेश के कई जिलों में बारिश होगी और जाहिर सी बात है कि उसके बाद एक बार फिर से ठंड बढ़ने वाली है। और जिस तरह से मध्य प्रदेश के कई अन्य जिलों में बीते दो से तीन दिन में बारिश हुई है, अब जानकारी ये मिल रही है कि भोपाल के आसपास का भी जो क्षेत्र है वो तर बतर होगा बारिश से और ठिठुरेगा फिर ठंड से। बात करेंगे हमारे सहयोगी वासु चौरे से। वासु, मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि भोपाल और उसके आसपास भी बारिश की संभावना है, इस वक्त आप कहाँ पर है और कैसा मौसम बन रहा है? अब बिल्कुल देखिए, राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में मध्य प्रदेश के बारिश हो सकती है और इससे जो है वो किसानों की चिंताएं लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि मंडला से बीते दिनों जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई वहां पर बड़ी ओलावृष्टि हुई जिससे साफ तौर पर फसलों को भी नुकसान पहुंचाया और अब इसी तरीके के डिस्टर्बेंस का जो अनुमान है वो कई और जिलों में बताया जा रहा है, लगाया जा रहा है और इसके चलते मौसम विभाग ने अलर्ट जो है वो भी जारी कर दिया है ताकि जो आम लोग हैं वो मौसम की मार को से ज्यादा प्रभावित ना हो और अपनी तैयारी पहले ही से ही सुनिश्चित कर लें। जो अलग अलग वेदर सिस्टम बन रहे हैं उसका असर भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में, आसपास के जिलों में देखने को मिल सकता है और अगर बारिश होती है, पाला पड़ता है तो इससे एक बार फिर से ठंड का जो दौर है वो भी कहीं ना कहीं सामने आ सकता है, क्योंकि सर्द हवाएं लगातार देखा गया है कि बीते दो तीन दिनों से चल रही है, एक दौर और ठंड का शुरू हो चुका है। भोपाल में अगर मौसम की मैं इस वक्त भी बात करूं तो करीब 8 बजने को आ रहे हैं लेकिन अभी तक धूप जो है वो नहीं निकली है, बादल जो हल्के हल्के हैं वो छाए हुए हैं और भी ज्यादा तब्दीली जो है वो आने वाले समय में मौसम में देखने को मिल सकती है, तो लोगों को थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता होगी। जी आशीष, स्वाभाविक है वासु, और आप भी खबरें कवर करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो थोड़ा सा इसका भी आप फायदा उठाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और इन सबके बीच प्रदेश के कई जिलों में ओले गिरे हैं, ओले गिरने की वजह से एक तरफ ठंड बढ़ गई है तो दूसरी तरफ किसानों को भी नुकसान पहुंचा है और इस नुकसान से बचने के लिए एहतियाती कदम जो उठाए गए थे वो काम नहीं आए और अब इस नुकसान का कैसे होगी भरपाई, सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं किसान भाई। इस वक्त 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बालाघाट, जबलपुर, मंडला, सिवनी और उमरिया से। तो ओले गिरने की वजह से पूरी फसल चौपट हो गई है, खासतौर पर जो फल सब्जी की खेतीबाड़ी करते हैं उनको काफी नुकसान हुआ है और आप ये तस्वीरें देखेंगे लगेगा मानो कि कोई ठंडा प्रदेश है जहां पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है और किसानों को इससे अच्छा खासा नुकसान हुआ है। तो बालाघाट, जबलपुर, मंडला, सिवनी, उमरिया, ये 5 जगहों की तस्वीरें जहां पर ओले गिरे हैं। और सतना में नौकरी लगवाने के नाम पर वसूली का मामला सामने आया। दरअसल आंगनवाड़ी में नौकरी लगवाने के लिए